जी फ्रेंड्स, ना धोकर हम हो चुके हैं फ्रेश और अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, ये हमारे ईश्वर भाई को गिफ्ट में मिली है बाबा रामदेव जी की स्मृति, जो पालनी में झूल रहे हैं। तो इनके पास आ गए 3 से 4, तो एक मुझे गिफ्ट कर दी है, उसके लिए थैंक यू। ये ईश्वर मेरा भतीजा। प्रसादी जीनने के लिए आ गए हैं फिलहाल के लिए, सीरा और पूरी है, सब्जी अभी आई नहीं, सब्जी का भी खाना हमने खा लिया है, ठंडी बोतल भी हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो अब चलते हैं, ये वाला रूम जो हम रह रहे थे वो वाला तो हम कर रहे हैं खाली, अब दूसरे रूम में जाने वाले हैं। क्योंकि ये वाला रूम हमने इसलिए रखा था कि यहाँ से जहाँ पर ये जागरण रखा था वो पास में था, पर अब शिफ्ट होंगे हम एसी वाले रूम में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए एसी वाला रूम बुक करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे। चुके हैं होटल में, रूम बुक कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, शक्ल भी पता नहीं कैसी हो गई है। अब लेते हैं थोड़ा रेस्ट और मिलते हैं आपको रेस्ट करने के बाद, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स, तो शाम के बज चुके हैं 7:30 और अब हम निकले हैं कुछ खाना खाने के लिए। चेहरे की हालत देखिए क्या हो चुकी है, पूरा दिन धूप में घूमने की वजह से टैनिंग आ चुकी है हमारे। और ये चल रहे हैं आगे गंगा दीदी, ननुड़ी, और जा रहे हैं कुछ खाना खाने के लिए। चलिए मिलते हैं आगे, जा रहे हैं फिर मेले की तरफ ही जा रहे हैं। तो आ चुके हैं हम खाना खाने के लिए और ये हमारी प्लेटें लग चुकी है, मस्त सात्विक भोजन है, पनीर की सब्जी, तंदूरी रोटी, मिर्ची का अचार, दाल फ्राई। कैसा है ना हम खाना? अच्छा, तो चलिए फ्रेंड्स खाना खा के मिलते हैं। खाना खा लिया फ्रेंड्स, देखते हैं अगर जा सके तो जाएंगे मंदिर की ओर, वरना खाना पैक करवा रहे हैं घर पे भोजन, एक घर पे क्या रूम पर भोजन है, पुली जी जी और भाभी जी उनके लिए खाना। ये वाली होटल थी फ्रेंड्स, श्री कृष्णा होटल, बहुत ही अच्छी, रिजनेबल और अच्छी टेस्टी खाना था। कैसा था खाना? चलो हाँ, मंदिर के बस पास। नानू कर रही है बुआ के लिए शॉपिंग। तो जी ये गुड़िया रानी ने ले लिए खूब सारे ब्रेसलेट, पेंस और बुआ को देने के लिए। अब चलो चलो फ्रेंड्स, सुबह में हमने दर्शन कर लिए थे और एक बार और बाबा के दर्शन करने का मौका मिला है, तो बस मैं, ईशु और ईशु की वाइफ, हम तीनों ही जा रहे हैं वापस से बाबा के दर्शन के लिए। बस आ चुका है मेन गेट। जैसे कि मैंने आपको सुबह में बाबा के दर्शन करवाए थे तो कितनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, और अभी देखिए बिल्कुल भीड़ नहीं है, आराम से चल रहे हैं हम लोग। बस बाबा की समाधि तक पहुँच चुके हैं। अरे आ गया दर्शन अच्छे से, जय बाबा री। शाम का नज़ारा बाबा के दरबार का देखिए फ्रेंड्स, अभी भी इतनी भीड़ है। भाई बोनी आजा।
गाइस आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज बाना लाइफस्टाइल व्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हो चुका है सेकंड डे और अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि बज चुके हैं 4:30 और 4:30 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आने वाली है ट्रेन, तो बस उसी में जाना है हमें पाली। गंगा दीदी गुड मॉर्निंग, जय बाबा री। गुड मॉर्निंग, जय बाबा री, जय बाबा री, जय बाबा री। तो बस चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन की। तो जी फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं हम रेलवे स्टेशन और अभी तक टिकट नहीं ली है क्योंकि टिकट बारी नहीं खुली है ना। खुली है लेकिन भीड़ है। अच्छा ऐसा है, ठीक है चल फटाफट लेके आ जा। तो जी फ्रेंड्स, हम बैठ चुके थे ट्रेन में पर वो वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा होश हो गए थे। अब आ चुका है जोधपुर, रामदेवरा से सीधा जोधपुर आए जब भी मैंने वीडियो शूट किया है। सो गए थे एक्चुअली, परेशान थक चुके थे, सुबह 3 बजे के उठे हुए थे। क्रॉसिंग में खड़ी है गाड़ी हमारी। फ्रेंड्स, गंगा दीदी हमारी उठ गई है। गुड मॉर्निंग गंगा दीदी। नानू दीदी बेचारे बैठे हैं आराम से ट्रेन में और अब आने वाला है। ओरियन खोल लिया तू खा पहले ना पान अनमु पे एक ही से ले। पर एक ही बीच अनमु लो लो कदी दो है हां जानू खाना मन ओरी पावे गए एक ही मन है। उतर चुके हैं पाली, गंगा दीदी, राहुल जी खड़े आ गए हमें ढूंढ रहे होंगे। गाड़ी बहुत आगे आ चुकी है। नानूड़ी मोमेंटो इतने सारे किना किना लाया यात्रा यहाँ बाबा भी है जगह। आ चुके हैं बाहर और ये राहुल जी लेके आ चुके हैं कार, जा रहे सीधा घर। परेशान हो गए पूरी तरह से। खोलो बैग रख देते हैं अंदर। अब मिलते हैं सीधा घर। मिल गेट आ चुका है, अब आने वाला है हमारा घर। तो जी फ्रेंड, ये आ चुके हैं हम घर, पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। तो फ्रेश हो जाते हैं फिर मिलते हैं आपको वापस से। जाना है जोधपुर आज, गंगा दीदी को करनी है कुछ शॉपिंग, तो वो भी करके आएंगे। तब तक के लिए बाय।